इंटरनेशनल योगा डे है, कार्यक्रम हुआ, आपने भी पार्टिसिपेट किया, लोगों ने कैसा लगा? बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ जब हम यहाँ के गणमान्य महानुभाव और साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सभी के सहयोग से आज का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। और हम सभी के लिए एक गर्व का विषय है कि योग जो हमारी पुरानी शक्ति है, हमारे विश्व ने इसका प्रचलन किया और पूरा विश्व एक साथ के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। उन्हें मैं मीडिया के साथ और सभी महानुभावों का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आज योग दिवस की मैं पूरे देशवासियों को या विश्व के सभी नागरिकों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इस युग में, क्योंकि आदमी डिप्रेशन में रहने लग गया है, हर आदमी का मानसिक तनाव है, तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग सबसे बड़ा साधन है। तो हर व्यक्ति को रोज़ाना योग करना चाहिए। और योग, क्योंकि हमारी तो संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, योग हिंदुस्तान की संस्कृति का, जो आज विश्व में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि विश्व में योग लोग मना रहे हैं, योग लोग कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। तो हमारे देशवासियों को भी, प्रत्येक नागरिक को योग नित्य प्रक्रिया के रूप में योग करना चाहिए और इसका लाभ अपने लिए और अपने परिवार वालों को। योगा वैसे सेहत के लिए ठीक होता है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्या कहेंगे? प्रोग्राम से लोगों में बहुत सारा होता है, योगा के प्रति जागरूकता आती है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। लेकिन लोग है ना, खाली आज के दिन सभी को जबरदस्ती, मान ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सारे आते हैं, ये दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन तो अपन जैसे राष्ट्रीय प्रो मनाते हैं, उसकी तरह एक दिन मनाना भी अच्छी बात है, उससे इम्पेक्ट आता है। नहीं, लोगों को रोजाना भी करना चाहिए अपने घर पे। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए, सभी सरकारी सरकारी कर्मचारी है, आम जनता सभी को करना चाहिए, व्यापारी है। इसी में जो नियमित योग कक्षा में जो भाग लेते हैं उनका सबका अभिवादन, एक बार मैं नाम बुला रहा हूँ।